नंबर सिक्स में है आपके पास पैराग्राफ, मतलब जो तीसरी क्लास में बनाया है उसमें किस किस्म के पैराग्राफ हमने आपने ये बताना है। नंबर सिक्स में आपके पास पैराग्राफ, पैराग्राफ की मैंने उतनी डेफिनेशन ही बताई थी अगर आपको याद हो तो। पैराग्राफ क्या होते हैं? That having two or more than two lines, that is called paragraph. अब यहाँ definition इसमें, अब paragraph is a substitute, मतलब किस चीज का निचोड़ है। अब paragraph is a substitute of two or more than two lines. That is called paragraph. ठीक है, अब देखिए पैराग्राफ में क्या क्या चीजें शामिल आ रही है। पैराग्राफ में नंबर वन पे है अनफोकस्ड पैराग्राफ, मतलब जिसको आपने चीज में बिल्कुल नहीं देखा। अनफोकस्ड पैराग्राफ ऐसे पैराग्राफ जिनको आपने चीज में नजरअंदाज किया, जिनसे तवज्जो नहीं की, जिनको आपने बिल्कुल नहीं देखा या गैर समझा, वो कहलाते हैं अनफोकस पैराग्राफ, मतलब नजरअंदाज पैराग्राफ। इसे कहते हैं गैर मुतवज्जा। नजरअंदाज पैराग्राफ गैर मुतवज्जा, ठीक है, ये इसका नंबर वन है। अनफोकस पैराग्राफ के बाद नंबर टू क्या है? रिवाइजिंग फास्ट फोकस, रिवाइजिंग फॉर फोकस। अब रिवाइजिंग क्या है कि आपके प्रति किस चीज से किया है, आप उसको दोहराते हैं कि आप नंबर अंदाज ना करें, बल्कि मुतवज्जा होना होगा कि तमाम पैराग्राफ की जगह जो कि आपने पहले नहीं देखे थे। रिवाइजिंग का क्या मतलब होता है? दोहराना। फॉर फोकस, फोकस का क्या मतलब है? तवज्जो देना या मुतवज्जा होना, तवज्जो देना या मुतवज्जा होना या नजर रखना, वो कहलाता है फोकस। अब यहाँ पर क्लियर हो गया पहले क्या था आपके पास पैराग्राफ, उसकी डेफिनेशन अनफोकस पैराग्राफ, उसके बाद क्या है? रिवाइजिंग फॉर फोकस। अब उसके बाद देखिए आगे है आपके पास पुअरली डिवेलप्ड पैराग्राफ। अब पुअरली डिवेलप्ड पैराग्राफ कौन से होते हैं मुझे नहीं बताया था, जरा आपका उसी दिन वाला लेक्चर है। पुअरली डिवेलप्ड पैराग्राफ, पुअरली मतलब जो अजीब तरीके से या मतलब आपके अनकॉन्शियसली, मतलब बात छोटी तौर पर, ऐसा आप सोच भी नहीं कि आपको जो समझ आई आप उससे गए, आपने कोई इतना ज्यादा जांच करण के मुकम्मल तवज्जो के साथ पैराग्राफ को देख के नहीं लिखा। लाज शौरी तौर पर डिवेलप का क्या मतलब है? बनाए गए, मतलब लाज शौरी तौर पर जो पैराग्राफ बनाए गए हैं थीसिस में, तो आप क्या करते हैं? पहले आप अनफोकस पैराग्राफ देखते हैं, फिर आप अनफोकस पैराग्राफ होते हैं रिवाइजिंग फॉर फोकस, उनको रिवाइज करते हैं, दोहराते हैं, उनसे तवज्जो करते हैं, ठीक है। फिर पुअरली डिवेलप्ड पैराग्राफ, आप वो पैराग्राफ देखते हैं कि जिसमें वाकई कोई चीज, कोई बात, कोई मतलब, कोई लॉजिक, कोई रियलिटी मौजूद है या नहीं है, उसमें कोई इम्पोर्टेंट बात है या नहीं है, या खाली उसमें अनइम्पोर्टेंट है। उसमें जो अनइम्पोर्टेंट चीज होती है, जो कि आप अनकॉन्शियस होकर लिख रहे होते हैं, ना जरूरी तौर पर उसमें अनकॉन्शियस का एलिमेंट होते हैं, उसमें आपसे जो पैराग्राफ आपने बनाए होते हैं वो आपकी नजर के सामने आ जाती है जब आप रिवाइज करते हैं। अब यहाँ तक क्लियर हो गया कि जब आप थीसिस को रिवाइज करते हैं तो जो लाज पूरी तौर पर जिससे आप समझ में नहीं देते, वो पैराग्राफ जो आपने बनाए होते हैं वो आपके सामने आ जाते हैं। आगे आगे आप क्या करेंगे? उन पैराग्राफ को अरेंज करेंगे, उनको तरतीब देंगे। इसके बाद देखते हैं रिवाइजिंग फॉर डेवलपमेंट, तो वही बात है जो मैंने आपको बताई कि आप अरेंज करेंगे, रिवाइजिंग फॉर
devising for development. डेवलपमेंट में क्या मतलब होते हैं, नई चीज बनाना मतलब तरक्की करना। डिवाइजिंग को क्या मतलब है, दोहराना, मतलब जो पहले जो आपने बनाए थे आपने अब दोबारा उनको दोहराया तो उसमें कोई नहीं बिगड़ा था ग्राफ आपके सामने, ठीक है। अब आप उसके बाद क्या करते हैं, डिवाइजिंग फॉर डेवलपमेंट से उनको दोबारा तरक्की के लिए मजबूत नए और बेहतरीन पैराग्राफ बनाने के लिए उनको आपने दोहराना है। जब हम उसकी दोहराई करेंगे उनको दोबारा अच्छे तरीके से देखना है और समझना है कि वास्तव में जिसमें कोई अहम बात है तो उन तमाम पैराग्राफ में से एक एक या दो दो पॉइंट अहम लेके आप इकट्ठा एक न्यू पैराग्राफ बना लेते हैं जो कि वाकई आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। याद रखिए दोस्तों, उसके बाद देखना है यूजिंग स्पेशल पर्पस पैराग्राफ। अब रिवाइजिंग के बाद आपने लिखा है इसके बाद आपने लिखना है यूजिंग स्पेशल पर्पस पैराग्राफ। Using special purpose paragraph, using क्या है, इस्तेमाल करना, special होते हैं खास किस्म के, purpose क्या है मकसद, खास किस्म के मकसद के लिए आप जो पैराग्राफ इस्तेमाल करेंगे उस चीज के मुताबिक आपने तफसीलात देनी है, मवाद देना है कि using special purpose paragraph आपके मवाद में ऐसी कौन सी चीज है जो कि आप खास किस्म के मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा, उसके बाद देखिए आगे नेक्स्ट है ये नंबर सिक्स जो था ये ठीक है। अच्छा आपके पास जो आउटलाइन होंगी उसमें काफी चीजें यहाँ तक मैंने लिखवा रही हूँ उसमें काफी चीजें एक्स का भी शामिल है लेकिन मैं आपको सब्जेक्ट के लिहाज से वही चीजें लिखवा रही हूँ ये आउटलाइन ये वही जो है ट्रांसलेशन लगा रही हूँ जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी जो अनइम्पोर्टेंट है उन्हें आपको भी बता रही हूँ जो बार बार रिपीट हुई है आप जब आगे पढ़िए सारे टॉपिक पढ़ेंगे तो बात को क्लियर होगी। आगे देखिए नंबर सेवन है क्लियर सेंटेंसेस, क्लियर एंड एम्फेटिक सेंटेंसेस। अब क्लियर सेंटेंस कौन से हैं, एंड एम्फेटिक मतलब जो स्टैंडर्ड है बुनियादी है और जो प्लेन सेंटेंस है आपके थीसिस में वो कौन कौन से हैं। जब आप थीसिस को अपने मवाद को रिवाइज करते हैं रिपीट करते हैं अगेन एंड अगेन लेते हैं उसको दोहराई करते हैं जब आपको पता लगता है कि आपके पास क्लियर एंड एम्फेटिक सेंटेंसेस कौन कौन से हैं मतलब जो बेहतरीन जुमले हैं वो किस किस्म के हैं जो कि बिल्कुल दुरुस्त चीज में पाए जाते हैं। एम्फेटिक कैसे होता है दूर से लेकिन यहाँ आपकी फोर्थ और फाइव के लिहाज से क्या होगा जो तीन जुमले बनते हैं मतलब जो इम्पोर्टेंट हैं जो अहम जुमले होते हैं। अब यहाँ देखिए इसका नंबर वन क्या टॉपिक है अनक्लियर सेंटेंसेस, इसी में नंबर वन आपको लिखेंगे अनक्लियर सेंटेंसेस मतलब ऐसे जुमले जो कि अनक्लियर है जो कि आपको सही तौर पर समझ नहीं आ रहे जिनका मफहूम जिनकी तफसीलात जिनकी वजाहत आपको सही तौर पर समझ नहीं आ रही वो कहलाता है अनक्लियर सेंटेंसेस। अनक्लियर क्या होते हैं गैर वाजिया, ठीक है जैसे साफ साफ हो जुमले हो गैर वाजिया हो मतलब ना समझ हो जिनको पढ़ने के बाद आपको समझ ना आ रही हो वो कहलाते हैं अनक्लियर सेंटेंसेस। इसके बाद देखिए आगे है रिवाइजिंग फॉर क्लियर सेंटेंसेस, रिवाइजिंग फॉर क्लियर सेंटेंसेस।
Now we get moving time on here. So we complete and enough. Revising for clear sentences. मतलब आपके पास जो unclear sentences थे, आपने उसको revise करना है. और revise जब आप सारा चीज़ revise करते हैं, आपने उसमें जो clear sentences हैं, जो सही sentences हैं, जो आपको समझ आ रहे हैं, आपने वो अलग कर लेने हैं. वो कहलाता है revising for clear sentences. कि आपने अपने किसी रस्म आवाज को रिवाइज की क्या उसको बार बार क्यों देखना बार बार क्यों पढ़ा बार बार उसकी दोहराई क्यों की क्योंकि आप उसमें से क्लियर सेंटेंसेज जो सही जुटे थे वो निकालना चाह रहे थे. यहाँ तक क्लियर हो गया. ये आपके जो सिक्स टॉपिक है ना ये हो रहे हैं सेवन टॉपिक आपके कम्प्लीट है. अब आपने आगे 12 तक किए थे, अब आपने 13 से कर लिया. बस वीडियो बंद है क्या? मुझे एक बात बस समझ नहीं आ रही कि जब बच्चों ने घर बैठ के पढ़ना है, अपनी वीडियो से ही पढ़ना है, अपनी सारा काम नहीं करना है, फिर वो मैथ का इस्तेमाल क्यों करते हैं? वहां से वो मैथ के जरिए मैंने बताया है एक मैकेनिज्म कि मैथ मवाद खोल करके वो सारा खेल करके वो खुद ही कर सकते हैं. उनको पढ़ाने वाली जरूरत है. जब तक आपकी अटेंडेंस कंप्लीट नहीं होती है, जब तक आपकी परसेंटेज जो है वो बैच नहीं होती है. जैसे हर लेक्चर में जो है और मैंने इसमें यही नोट किया है कि एक लेक्चर में उस दिन मैंने फर्स्ट जो मैंने लेक्चर दिया था पहली जो सारी क्लास की अगले सेशन जब सीरीज की बात उठाया करती थी मैं कैसे हुआ था आज का लेक्चर में उसमें भी जो उस लेक्चर में जो पूरी गाइडलाइन किया था वॉइस में जो लेक्चर है वो तीन चेयर से एक अटेंड कर रहे हैं बाकी कहाँ है उनका कोई. जब तक आपकी होती है क्या आप मैथ से पढ़ लेते हैं जिसको करते जब तक आपकी अटेंडेंस कम्प्लीट नहीं है आपकी पढ़ने में फायदा नहीं. जब आपने घर ही बैठ के पढ़ना है उसकी जरूरत क्या है कि एडमिशन फीस देने की और इतना दिमाग पकाना और एक बात आप ध्यान रखिए यहाँ पे एनुअल सिस्टम बहुत सिलेक्टर हो आपका सारी जो आपकी क्लास फैसिलिटी है क्लास एक्टिविटीज है वो सारा एक तरफ और आपकी जो पंक्चुअलिटी और एडवेंसी होती है वो एक तरफ. जब तक आपकी परसेंटेज कोई नहीं होती और जिसकी एक परसेंटेज कम होती है आपकी जब एक्सीडेंट कर लीजिएगा जिसकी एक परसेंटेज कम होती है तो आपके रिजल्ट से उसका असर बहुत ज़्यादा पड़ता है क्योंकि वो जो एक लेक्चर आपने मिस कर लिया होता है ना तो वो मतलब सेम टू सेम मैं वही पढ़ा देती हूँ आपके लेट में मौजूद होता है. मैं उसी हाथ से पढ़ाऊंगी जितना मेरे पास लॉजिक होगा जिससे आपकी उसकी समझ में आता है. लेक्चर बहुत सी चीज़ें वो भी होती हैं जो कि आपको समझ नहीं आती तो लेक्चर अटेंड नहीं करते ना उनके लिए ये बात जरूरी है कि मुझे ये क्लास क्योंकि ऐसे वो क्लास में नहीं है तो उनके लिए कोर्स का एडजस्टमेंट का कोई फायदा नहीं. आगे देखिए नंबर 12 तक आपका हो गया था जिसमें था अवॉइडिंग प्लैगियरिज्म. नंबर 13 भी ये था नंबर 14 है आपका थिंकिंग इफेक्टिवली. हाँ जी मैंने पढ़ाया था जी मैंने कहाँ तक पढ़ाया था 15% तक. अब नंबर 14 निकालो एंडेमिक 19 फिर वो नंबर 5 ही कर रहे हैं. जब आप सारे एक दफा कोर्स आउट टाइम आपके पास एक साइनॉप्सिस है ये फुल आप टैग भी आपको दे रहे हैं जब ये आपका सारा मुकम्मल हो जाएगा फिर आपका दोबारा नंबर 1 टॉपिक से स्टार्ट होगा और उसमें जितनी चीज़ें होंगी वो नेक्स्ट के मतलब जितना भी मेरे पास डाटा होगा वो सारा मैं आपको जो है वो कंपोज फॉर्म में वो आपको प्रोवाइड कर दूंगी. आप लोग क्या करेंगे बैठ कर उसकी तैयारी करेंगे तो जैसे जैसे वो क्लासेज होंगी रखने से आपका एक टॉपिक 2 का या 3 टॉपिक का एक अच्छा जो है एग्जाम में आपका टेस्ट होगा. मतलब मैंने इनको कितना दिया था और आप लोगों ने कितना डील किया वो इनको तो आउटपुट आप लोगों ने कितना दिया है. अभी आप सारा पढ़ लो एक दफा 16 टॉपिक यहाँ पे कम्प्लीट हो जाए इस लेक्चर में तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें आपको जो नंबर 1 टॉपिक है उसके सारे जो नोट्स हैं मैं कंपोज फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूँगी. उसका क्या फायदा होगा आपको कि हमारे अंदर किसी के पास नेट की फैसिलिटी होती है किसी के पास नहीं होती तो
उसका क्या फायदा होगा आपको जितना जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया है जितने लेक्चर दिए हैं जो कुछ किया है उसका एक साइड बॉक्स से आपके पास आता है था और आप मेरे को नंबर 1, 2, 3 मतलब जो बेन थ्री ऑर्गनाइज है उसका काफ़ी ज़्यादा मेजर आपके पास साइन ऑफिस होगा और वो आप क्या करेंगे उसके हाथ से मैं आपसे कुछ चीज सुन भी सकती हूँ कुछ भी लिखवा सकती हूँ मतलब 20 या 30 मार्क्स का आप जो है टेस्ट ले सकती हो ताकि मुझे पता लगे कि मैंने इनपुट कितना दिया है आप लोगों ने आउटपुट कितना गेन किया है ठीक है। अब यहाँ देखिए आपके नंबर 14 एग्जामिन राइटिंग अब एग्जामिन राइटिंग क्या थी कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई पोइम लिखते हैं वक्त पर लिखते हैं कोई इंडेक्स पर लिखते हैं उसके लिहाज सेम उन्हीं का थोड़ा सा डेटा नेट से चोरी करके वो अगर आता है रिविजन होकर के आप अपनी एक शायरी की एक पोइट की बुक बना लेते हैं या अपनी कोई राइटिंग की उसमें कोई स्टोरी लिख लेते हैं कोई पैराग्राफ लिख लेते हैं वो कहलाता है एग्जामिन राइटिंग मतलब पढ़ने के लिहाज से तालीम के लिहाज से आपकी कोर्स के लिहाज से इसका मतलब क्या होगा एग्जामिन तालीम की राइटिंग का क्या मतलब है लिखना। अब यहाँ इस सब आप देखें आगे सोशल एंड नेचुरल साइंस एग्जामिन राइटिंग में क्या क्या चीजें शामिल है नंबर 1 है सोशल एंड नेचुरल साइंस अब सोचा कहते हैं समाजी यानी कि मानसिकता एंड नेचर क्या है कुदरती मतलब कुदरती चीजें क्या है साइंटिफिक ठीक है समाजी चीजें क्या है और कुदरती चीजें क्या है अब आप कैसे बताएंगे जब आप ये सारा चीज लिख लेते हैं आप सारा काम कर लेते हैं आपको अरेंज कर लेते हैं उसमें आप एग्जाम क्या है कि आप सारे चीजों का एक साइनोप्सिस तैयार करती हैं उसमें मैनर इन मैनर्स होती हैं उसमें इनपुट आउटपुट है उसमें वो तमाम चीजें शामिल हैं जो एक थीसिस में शामिल होनी चाहिए और सबसे बेसिक इम्पोर्टेंट चीज है क्या है आपकी सोशल एंड नेचुरल साइंसेस कि सामाजिक तौर पर जो आप कोई काम करती हैं वो आपको कैसी हेल्प देता है कैसा आपको देता है कैसा मीन्स आपकी लाइफ कलर होते हैं उसका एंड नेचुरल साइंस की जो कुदरती चीज है उसमें क्या करते हैं जो लोग आपस में डिस्कस करते हैं आपस में बातचीत करते हैं ग्रुप बना के जो इल्म हासिल करते हैं वो कैसा है और जो कुदरती चीज है वो कैसा है फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा होता है वो नेचुरल जीनियस होता है ठीक है ना उसका IQ लेवल ब्रिलियंट होता है जिससे रेक्टिविटा है वो नेचुरल जीनियस होता है उसको आप कोई बात एक दफा समझा देंगे उसको समझ आ जाएगी। एक बच्चा होता है जो बार बार याद करके पढ़ता है जब तक वो याद नहीं करता उसको समझ नहीं आती वो अगर याद नहीं करता फॉर एग्जाम्पल किसी वजह से वो थम जाता है स्कूल गोइंग बच्चा या कॉलेज गोइंग है वो याद नहीं करता एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है उसकी मोबाइल नेट वगैरह वो यूज करके सो जाता है या सुबह कैसे याद करता सुबह स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं उसको उतना टाइम नहीं मिलता। अब जो सोचल है वहाँ बैठ के मुझे बच्चा याद करेगा किसी दो लाइनें सीखेगा किसी तीन लाइनें किस टॉपिक में है किस चैप्टर में है उसके बाद छोड़ होगी और जो नेचुरल से अपने माइंड में वो याद करता उसके बारे में उस वक्त जो बात कहती उसमें और सोशल में एक फर्क होगा। मैं आपको पढ़ा रही हूँ ठीक है आप नेट से एक टॉपिक में से किसी भी टॉपिक से मुतलिक कोई डाटा लेते हैं तो 100% नेट से नहीं होता क्यों नहीं होता मैंने जो पढ़ा जो समझा जो सीखा मैंने आपको वही आगे इनपुट दे दिया ठीक है। आप अगर मुझे लोगों को बताएंगे या मैडम इलेक्शन में क्या पढ़ाया आपकी आपकी फ्रेंड से बातचीत होगी ग्रुप में कोई बात होगी आप बताएंगे मैडम ने क्या पढ़ाया ठीक है तो आप उनसे बताएंगे मैडम ने मुझे पढ़ाया हम नेट से कुछ और सर्च करेंगे तो उसमें कुछ डिफरेंस होगा सेम टू सेम जो चीज नेट नहीं होती वो आपके थीसिस में एग्जामिन राइटिंग कहलाती है। अब तो आगे देखते हैं आसान होने के लिए तो सिर्फ लिख लो Thank you.
नंबर टू है गोल साइजिंग इन द सोशल एंड नेचुरल साइंसेज. अगर आपको बच्चे की एग्जाम्पल दी, बच्चे का क्या मकसद होगा कि मैं टेस्ट क्लियर कर लूँ, मैं अच्छे नंबर लूँ या ना लूँ, लेकिन मैं ऐसे चिंता करूँ कि मैं पासिंग मार्क्स लूँ जो क्लास के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े. आपका थीसिस रिसर्च में यही मायने होता है कि आपका थीसिस, आपका वर्क, आपका मटेरियल, आपका आउटपुट, इनपुट, आपकी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा बेस्ट हो जो पूरे मार्क्स में, पूरे सर्कल में, पूरे मतलब सोशल जो सर्कल है उसमें कहीं ऐसी परफॉर्मेंस या ऐसी चीज ना हो. ठीक है, अब यहाँ क्या है गोल, अहम मकसद क्या है आप हाइजीन या सोशल एंड नेचुरल साइंस से, मतलब जब आप सोशल सामाजिक तौर पर सीखते हैं या कुदरती तौर पर आप सीखते हैं वो चाहते हैं करने, अपने माइंड से भी सीखते हैं या डिफरेंट लोगों से मालूम लिए थे जिससे मवाद मटीरियल लेकर उसे डिटेल्स लेकर सीखते हैं, तो उसके लिखने का अहम मकसद क्या होना चाहिए. आपका अहम मकसद क्या होता है कि आप कोई भी काम करें, कोई भी काम आप है मैं कोई भी है, उसका अहम मकसद क्या होता है, हमारी जिंदगी गुजारने का अहम मकसद क्या है कि हम दुनिया में जो है अजीम से अजीम इंसान बने, अल्लाह ताला की नजर में हम पसंदीदा मखलूक हों. यही होता है ना एक मुसलमान का अहम मकसद, यही होता है. एक पाकिस्तानी है, एक पेट्रोट है, हुब वतन है, उसमें पेट्रोटिज्म क्या है, हुब वतन क्या है कि वतन से मोहब्बत, और मोहब्बत के हकीकी मायने क्या है कि जो कुछ पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के जो असूल हैं, जो रिवायात हैं, जो इकदार हैं, जो हमारे बुजुर्गों ने हमारे जो ग्रेट लीडर्स थे या फोर फादर्स थे उन्होंने हमें जो रूल रेगुलेशन सिखाए, उन्होंने हमें जो बातें बताई, मैनर्स हैं, एथिक्स हैं, कोड ऑफ कंडक्ट है, वे ऑफ स्पीकिंग है, बिहेवियर है, वे ऑफ एवरीथिंग जिंदगी गुजारने का उन्होंने हमें जो बताया, हम उस पे कंप्लीट फॉलोअर हैं या नहीं हैं, उनको मुकम्मल तौर पर उन सब चीज़ों की पैरवी करते हैं या नहीं करते. ये तमाम चीज़ें आपकी सोच के लिहाज से कैसे जैसा कैसे चीज होती है कि आपका अहम मकसद क्या होता है के लिहाज से, कि सोशल समाज आप उन सब लोगों की जो आपके ग्रुप मेंबर होते हैं आप उन सब की जो है वो देखते हैं कि कहीं किसी ने मेरा पॉइंट सुन लिया होगा, कहीं किसी ने आप लोगों में आ जाता है एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक मुकाबला आ जाता है कि कहीं जिसने मेरे से बेहतर काम नहीं किया था उसके जो टॉपिक्स हैं वो मेरे से ज़्यादा बेस्ट तो नहीं है, मेरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, उससे कहीं कोई चीज है उसके टॉपिक्स में आप क्या ढूंढ रहे होते हैं, सर्च कर रहे होते हैं, कहीं कोई अनइम्पोर्टेंट चीज़ मिल जाए, कहीं कोई डिमेरिट मिल जाए, कहीं कोई फीवर मिल जाए. क्लास में आप दूसरे वाले सैंपल आप ही क्लास में कोई एक बच्ची है या कोई एक बच्चा है वो टॉप करता है तो बाकी सब डायरेक्टली उसकी तरफ कंसंट्रेट करते हैं, क्यों तवज्जो होती है उसकी तरफ कि इसने ऐसा क्या था, हमने भी वैसे नोट नहीं कर दिए, हमें भी कम्पोज काम में वैसे नोट लिए, हमने भी वैसा कैसे लड़क लिया, हमने भी वैसे सब कुछ प्रिपेयर किया, उस बच्चे ने और बच्ची ने ऐसा ज़्यादा क्या ऐसा ज़्यादा काम किया है, उसके बारे में ऐसी क्या बात थी, उसने कहाँ से इतना डेटा लिया जो उसने ए प्लस पेपर में हासिल किया. ये भी सोचिए आपके थीसिस के लिहाज से, आपकी नमाज के लिहाज से, तो उसमें क्या क्या आपका समाजी लिहाज से और मकसद के लिहाज से कोई भी मवाद लिखने के लिए आपका अहम मकसद क्या है, आप उस मवाद के मुतल्लिक क्या लिखते हैं, किसमें कितनी अहम बातें लिखते हैं, आप उसे कितना बेहतरीन बनाते हैं, ये आपके गोल होते हैं. यहाँ तक क्लियर होगा कि कोई भी चीज थी, चाहे वो आप सोशल साइंस से लिख रहे हैं या नेचुरल साइंस से, किसी भी टॉपिक के समाजी लिहाज से ग्रुप फॉर्म में लिख रहे हैं, इंडिविजुअल फॉर्म में खुद पे इंडिपेंडेंट करके या खुद पे इंडिपेंड करके अपने आप के अनुसार करके लिख रहे हैं, तो लिखने का अहम मकसद क्या है. मैं यहाँ पर लोगों को पढ़ा रही हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोगों का अहम मकसद क्या है, मेरा अहम मकसद क्या है. जाहिर सी बात है टीचर के समय पर होता है कि आपके जो स्टूडेंट होंगे वो आपसे डिफरेंट होंगे, आपके इलाके में जो स्टूडेंट होंगे वो आप लोगों से मेरे से डिफरेंट होंगे. मैं जिससे स्टूडेंट होंगी तो उनके लिए वहाँ जितने भी क्लास मेंबर होंगे, तो मेरे क्लास फेलो या ग्रुप फेलो होंगे, उनके क्या होगा, उन सब में इंडिविजुअल तौर पर या डिफरेंस होगा, हर कोई दूसरे से आगे जाने की कोशिश करेगा. तो जो आपकी स्टेप में, आपकी जात में, आपके माइंड में और आपके हाथ में जो कॉन्फिडेंसी आ जाती है, वो आपका एक अहम मकसद बन जाता है कि मैंने ये काम ऐसे करना है. और जब तक आपने आपको मैं तौर पर किसी भी कॉम्पिटेंस के लिए किसी भी मुकाबले के लिए करके, जब तक आप कोई
हैं मुस्लिम हाजिर नहीं कर सकते। यहाँ तक क्लियर हो गए टॉपिक। उसके बाद देखिए ऑल्टरनेट इन द नेचुरल एंड सोशल साइंसेस। अब आप लोग जो सुनने वाले हैं ऑडियंस है ना, अब आपका क्या रोल होगा, आपका क्या किरदार होगा। आधे लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी, आधे लोग बोर हो रहे होंगे, क्या होते हैं इसमें, आधे लोग बोर हो रहे होंगे, आधे बोल रहे होंगे थके हुए होंगे, आधे लोग कब खत्म हो हमारी जान से। एग्जैक्टली बात बात ऐसा होता है, मैं खुद जब मैंने भी क्लास लेती हूँ तो मेरा भी हाल होता है। कभी कभी लास्ट ईयर हो जाए सौ बार पैसा बार में झंडा था और नोट पेपर क्लियर हो गए थे, फाइव क्लास किसी तरह का सबसे पहले मैंने दिया। लेकिन इसकी वजह क्या होती है कि जब पेपर आपके एक बर्डन कम होता है, डबल बर्डन आ जाता है, फिर आप लोग हमारे पेपर शुरू है फिर नेक्स्ट वीक से। अब नेक्स्ट वीक आएगा उसके पेपर हमारे स्टार्ट नहीं होता है, तो क्या होता है आपके लिए टेंशन बढ़ जाती है कि जो पिछला है वो भी आपको सारा रिवाइज करना है, वो जो नेक्स्ट है आपने उसकी भी प्रिपरेशन करनी है। फिर आपने इस लेवल से आपके बच्चा लेवल हो, चाइल्ड लेवल हो, स्कूल बोइंग कॉलेज बोइंग यूनिवर्सिटी बोइंग, आप लोगों को ये मुकाबला आ सकता है। आप लोग कॉन्फिडेंसली आगे निकल जाती है कि वो मेरे से ज़्यादा अच्छा हो, मैं उससे ज़्यादा नंबर लूँगी, उसके जो है परसेंटेज जितनी है उसकी 2.6 है तो मैं कोशिश करूँगी 2.8 या 2.9 भी आ जाए। अब वो मुकाबला वाली जो है वो स्टडी के लिहाज से तो अच्छी है, वैसे आम लाइफ में तो अच्छी है, लेकिन स्टडी के लिहाज से कॉन्फिडेंसली आगे आ जाती है। आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो फिर आपके लिए किसी भी किस्म का कुछ जितना हो जाता है, आपको किसी भी समय कोई डिफिकल्टी नहीं देता। और यहाँ क्या है कि कानून इधर नेचुरल कानून तो उधर जो पूरे तौर पर आप लोग जो बातें सुने हैं डिफरेंट होंगी, और जो सोशल तौर पर पूरे सत्तर आपको भी बैठे आप लोग ठीक है। हर बंदे का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर बंदा डिफरेंट आप क्या चीज के लिए प्रिपेयर करते हैं, कौन कौन से अरेंजमेंट है आपके।
spoken and nationalized. ठीक है, रिपोर्ट कौन सी टाइप है, कितनी किताब है, अभी आप सोशल तौर पर सामाजिक तौर पर आगे उसकी कितनी किताब है, और नेशनल तौर पर अपने दिमाग से खुद इंडिपेंडेंट होकर रहेंगे उसकी कितनी किताब है। ये 14 टॉपिक्स में है, अभी इसमें से भी ये आदमी नहीं है, मतलब टाइप ऑफ राइटिंग इन द सोशल एंड एथिकल, बाकी में टॉपिक है आपको बहुत फॉर्मेट भी ना, तो फिर एक्स्ट्रा जो मेरे टाइम से टॉपिक है इन द बाकी क्लास में। ठीक है, आप ये ऑप्शन या मेरे साथ सर अभी करेंगे ना।